الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. <سؤال> 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 إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. व वरकू अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम इंशाल्लाह अपनी हज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुसलमान घराने में पैदा होता है इब्तिदा से ही उसको नमाज रोज़ा हज जक़ात इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और हज करना इंसान अपने लिए बहुत बात समझता है इबादत तो है ही लेकिन इस इबादत में एक खास खुशी और एक खुशकिस्मती की बात अपने लिए समझता है और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें अल्लाह सुबहान घर का मेहमान बनाता है और उन्हें मौका अदा करता है हर मुसलमान के दिल के अंदर एक तड़प और एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो अपने रब के घर का दीदार करे अपने रब के घर का तवाफ़ करे और बाकी मनासि अदा करे हर मुसलमान के दिल की ये ख़्वाहिश और ये तमन्ना एक बहुत जैन तमन्ना होती है और जो जा सकते हैं वो तो जा सकते हैं और जो नहीं जा सकते वो जाने के लिए सारी ज़िंदगी तड़पते रहते हैं तो बहरहाल हज के बारे में इन हम हज क्या है उसका फ़लसफ़ा क्या है उसके आदाब क्या हैं उसके रिचुअल्स क्या हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और जो लोग इस ख़ास तौर पर जो लोग इस सफ़र पर जा रहे हों उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सिर्फ रिचुअल्स और सिर्फ मनासिक ही के बारे में नहीं सीखना चाहिए बल्कि इसके साथ साथ उसकी उनकी हमतों उनके फ़ायदों और उनके उन मकाम की जो तारीख है उसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए तो आज हम इन हज के तारफ़ से बात शुरू करेंगे

مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर किया गया वही है जो मक्का में है तमाम जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत वाला इसमें वाज निशानियां हैं मकाम इब्राहिम है और जो कोई इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया और अल्लाह ही के लिए उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है जो उसकी तरफ जाने की इस्तात रखते हों और जो कोई इसका इनकार करे तो यकीनन अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है हज एक अज़ीम इबादत है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों पर मुकर किया है और ये इबादत बहुत से दीनी और दुनियावी फ़ायदों का मजमू है यानी सिर्फ़ इबादत ही नहीं इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं इस इबादत के ज़रिए जहाँ गुनाहों और नाफ़रमानियों की माफी का वादा किया है वहाँ इसे जन्नत में दाखले का जरिया भी बताया है हज एक ईमानी और रूहानी तरबियत का सफर भी है इसमें इंसान को अपना जायजा लेने अपना मुहासबा करने अपने आप को परखने का मौका भी मिलता है और अपने साथ बेशुमार और लोगों को अल्लाह सुबहान इबादत करते हुए देख कर अपनी कोताहीियों का इल्म भी होता है इस सफ़र से इंसान को नफ़्स की पाकिजगी हासिल होती है तकवा हासिल होता है इंसान एक सेहतमंद और पाकिज़ा रूह के साथ वापस लौटता है यह दरअसल अल्लाह के रास्ते का सफ़र है अल्लाह है शौक़ का सफ़र है मोहब्बत का सफ़र है अक़ीदत का सफ़र है और उसके साथ साथ इस्लाम का एक बुनियादी रुकन भी है ये अल्लाह की इबादत का एक बेहतरीन जरिया और तरीका है और इबादत में सबसे बड़ी इज्तमी इबादत है बाकी इबादत हम इज्तमाही तौर पर भी अदा करते हैं और इनफरादी तौर पर जैसे नमाज है या रोज़े हैं लेकिन इबादत ये इबादत हज की इबादत एक इज्तमाही इबादत है जिसमें हर मनसक को दूसरों के साथ मिलकर अदा किया जाता है फिर तो इसके साथ साथ ये बदनी इबादत भी है माली इबादत भी है और रूहानी इबादत भी है और इसमें इंसान के जज्बात भी साथ साथ चल रहे होते हैं और इसीलिए ये एक बहुत अफजल इबादत है इसमें इंसान अपना वक्त भी लगाता है अपने मुल्क वतन को भी छोड़ता है हिजरत का सवाब भी पाता है और बहुत सी कुर्बानियां करता है इसका इरादा करते ही इंसान के दिल की कैफियत बदलने लगती हैं जज्बात में एक जोश सा पैदा हो जाता है इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ़ हो जाती है नेकियों का शौक़ बढ़ जाता है गुनाहों को छोड़ने का ख़्याल आ जाता है इंसानों के साथ अपने रिलेशनशिप्स बेहतर करने की तरफ तवज्जो हो जाती है और बहुत सी चीज़ों को छोड़कर सारी दिलचस्पियाँ और सारे शौक़ एक नुक्ते पर मरकूज हो जाते हैं एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया की तरफ रवाना होने का सफर शुरू हो जाता है ये सफ़र आखिरत की याद भी दिलाता है और फिर उससे वाकई एक आखिरत के सफ़र का एक तजुर्बा भी होता है जो लोग हज पर जा चुके हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं हज का आगाज कब हुआ इब्ने अब्बास कहते हैं कि अलैहि लाह वसल्लम का गुजर वादी अजरक से हुआ तो आपने फरमाया ये कौन सी वादी है सहाबा ने अर्ज किया ये वादी अजरक है आपने फरमाया गोया कि मैं मूसा सलाम को घाटी से उतरता हुआ और बुलंद आवाज से तलबिया कहते हुए देख रहा हूं इसके बाद आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो पूछा ये वादी कौन सी है सहाबा ने अर्ज किया ये हर की चोटी है हर की चोटी है आपने फरमाया गोया मैं यूनस यूनसम खुद मोटी सुरख उठनी पर सवार बालों वाला जुब्बा पहने हुए देख रहा हूँ और उनकी उठनी की नुकेल खजूर की छाल की है और वो तलबिया कह रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि गुजश्ता अम्बिया जिस भी इलाके की तरफ भेजे गए उन्होंने बैतुल्लाह का सफर इख्तियार किया कुरान मजीद में खास पर इब्राहिम के ज़माने में बैतुल्ला की तमीर और मनासिक हज का जिक्र मिलता है यानी अगर इसका आगाज आदम के ज़माने से ही हो चुका और बाद के अम्बिया ने भी हज किए लेकिन खसूसी तौर पर इस मामले में सलाम का तस्करा मिलता है इस घर की सबसे पहली तमीर फरिश्तों के हाथों हुई फिर तूफान नूह के बाद ये अपनी जगह से मिट गया खत्म हो गया तो अल्लाह तला के हुक्म से इस घर की तमीर इब्राहिम और इस्माईल आम ने की और इस तामीर के बाद उन्होंने बहुत सी दुआएं भी मांगी सूरत बकर में आता है वह इजयरफाब्राहिमादल कालीम रबना वजालना मुस्लिम उमतमसलिक व अरना मनासिकना व तुब अलना कांत तब्वाबरिम और जब इब्राहिम और इसमायल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे यानी बुनियादें तो मौजूद थी बुनियादों के ऊपर तामीर कर रहे थे असली बुनियादों पर जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी थी जो फ़रिश्तों के हाथों बनी थी उन्होंने दुआ की ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा यकीनन तो सब की सुनने और जानने वाला है यानी अल्लाह का घर बनाने के बाद भी उन्हें फिक्र थी उसकी कबूलियत की इस बात का कोई गुरू नहीं था कि हमने इतना बड़ा काम किया बल्कि इस बात की फिक्र थी कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा लें ए हमारे रब हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना और हमारी नस्लों में से भी अपने फर्मा बरदार उठा अपने न, हमारी नस्लों में से भी अपनी फर्मा बरदार उम्मत उठा और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा और हमें माफ़ फरमा तो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस घर की तामीर कर ली तो अल्लाह तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज का ऐलान करने का हुक्म दिया। में आता है, और लोगों में हज का ऐलान कर दो वो तुम्हारे पास पैदल और दुबले ऊंटों पर हर दूर की घाटी से आएंगे यानी ज़ाहिर है कि एक लको दक सहरा था वहाँ कोई इंसान ज़्यादा नहीं बसते थे एक जुर्म कबीला था और चंद अफराद की आबादी थी और आस पास भी कोई ऐसा शहर आबाद नहीं था तो इब्राहीम के इस बात की फ़िक्र हुई कि घर तो तैयार हो गया लेकिन ये आबाद कैसे होगा तो अल्लाह सुबहान तकम दिया कि लोगों को पुकारिए वो आएंगे आप अपना काम कीजिए अल्लाह सुबहान तै लोगों को लेकर आएंगे और वाकई ये हर इंसान के ऊपर इसमें सीखने का सबक यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज पूरा करने की फिक्र करनी चाहिए बाकी जहाँ तक लोगों का मामला है तो वो अल्लाह सुबहान तक उनके दिलों में डालता है तो बहरहाल इस हुक्मी के बाद हज का बाकायदा आगाज हो गया और फिर हजरत इब्राहिम और इसमायल और हाजरा के मुख्तलिफ जो अमाल थे उनको के हज में शामिल कर लिया गया है इसमाइल की कुर्बानी और हजर आलाम का सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना और फिर इस्माईल साम के पाँव की रगड़ से जमजम का निकलना ये सारी चीज़ें हज के लवाजवात में शामिल हो गई तो बहरहाल इस आयत में जो बात फरमाई गई है सबसे पहला घर जो लोगों के लिए अल्लाह की इबादत और इतात के लिए बनाया गया था वो मक्का में था बक्का यानी मक्का को बक्का भी कहा जाता है और मशहूर कॉल के मुताबिक बक्का मक्का के नामों में से ही एक नाम है और ये भी कहा जाता है कि ये यहां आकर सारे जालिमों जाबिरों और बड़ों की गर्दनें झुक जाती हैं और हर एक अपनी आजजी और खाकसारी का इजहार करता है तो इसलिए इस जगह को बक्का यानी गर्दन तोड़ या गर्दनों को झुका देने वाली जगह कहा जाता है बहरहाल सबसे पहली इबादत जो खाल अल्लाह की तोहिद पर मबनी है वो मक्का में यही बैतुल्ला शरीफ है और ये सबसे पहली मस्जिद भी है अबू जर कहते हैं मैंने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई आपने फरमाया मस्जिद हराम मैंने पूछा फिर कौन सी आपने फरमाया मस्जिद अक्सा ये जगह कैसी जगह है मक्का मुबारकन मुबारक है और वहुदन हिदायत का बायस है किसके लिए लिल आलमीन सारे जहान वालों के लिए सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं सबके लिए देखा जाए तो मक्का की बरकतें बेशुमार हैं इस शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई यहाँ पर अल्लाह सुबहान पर वही नाजिल की यानी आखिरी वही जो है यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का ये मरकज़ रहा और फिर यहाँ दीन मुकम्मल हुआ और इसको मुबारक इसलिए भी कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ हर वक्त इबादत होती रहती है यानी हर वक्त लोग अल्लाह के आगे झुके रहते हैं और फिर इसमें इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा होता है जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ एक नमाज का सवाब और अजर जो है वो लाख नमाजों के बराबर है ये दुनिया में किसी और जगह नमाज पढ़ने से इतना अजर या इतनी बरकत हासिल नहीं होती फिर इसी तरह बाकी भी नेकी के जो काम यहाँ किए जाते हैं जैसे सद का किया जाता है या रोज़ा रखा जाता है या कुर्बानी की जाती है तो वो सारी इबादत बाकी जगहों पर करने से ज़्यादा अफजल है यानी इसमें खैर और सवाब और बरकत ज़्यादा होती है फिर इसी तरह यह है कि यहाँ पर इंसान जब मस्जिद की तरफ चल के जाता है और फिर ये कि तवाफ़ करता है या एहतिकाफ करता है या वहाँ बैठ के कुरान पढ़ता है तो ये सारे अमाल इंसान के दर्जात की बुलंदी का ज़रिया भी बनते हैं और साथ साथ गुनाहों की माफ़ी का जरिया भी बनते हैं फिर तो इसी तरह यह है कि ये फ़ख्र फाका को दूर करने वाली जगह है बाबर का जगह अलैहि वसम ने फरमाया पे दर पै हज और उम्र किया करो क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे सोने और चांदी के मैल को ख़त्म कर देती है यानि इंसान के लिए अगर मुमकिन हो तो इस घर का इस घर की ज्यारत बार बार करे क्योंकि फख्र फाका भी दूर होता है और इसके साथ साथ गुनाह भी माफ होते हैं फिर इसी तरह ये कि इस घर की तरफ जाने वाला हर कदम जो है वो बायस अजर है यानी इंसान अपने घर से जो ही निकलता है और जब तक अल्लाह के घर में पहुंचता है तो जितने भी कदम उठाता है वो सारे के सारे बायसे अजर हैं। रसूल अल्लाह फरमाया, हाजी आदमी का ऊँट कोई पाँव नहीं उठाता यानी वो खुद तो क्या चलता है ऊँट भी जब चलता है और ना वो अपना हाथ रखता है ऊँट के अगले दो टांगे जो है वो हाथ के लाती और पिछले दो पाँव मगर अल्लाह तक बदले उसके लिए एक नेकी लिख देता है या उसकी एक बुराई मिटा देता है या उसकी वजह से एक दर्जा बुलंद कर देता है यानी हर कदम पर नेकी भी मिल रही है बुराई भी मिट रही है और दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं और जो जितनी दूर से जाता है उतना ही ज्यादा अजर कमाता है फिर इसी तरह ये बाबरकत जगह क्यों है कि यहाँ पर जमजम का पानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमजम का पानी उस मकसद के लिए जिसके लिए वो पिया जाए गजा के लिए पियेंगे तो गजा है प्यास बुझाने के लिए पियेंगे तो वो मकसद पूरा होगा और अगर शिफा के लिए पियेंगे तो शिफा नसीब होगी फिर इसी तरह यह है कि यह दुनियावी एबार से भी बाबरकत जगह है कि यहाँ मीशत के बहुत से मौाक़ हैं यानी अगर आपके पास छोटा सा भी कारोबार है तो वो इतना ज्यादा वहाँ चलता है कि उसमें भी बेपनाह बरकत हो जाती है यानी हज के मौसम में की जाने वाली कमाई में भी बहुत बरकत है जिस कमाई की अल्लाह तला ने इजाजत भी दी है कुरान मजीद में इस घर में रिस्क की फरावानी है हर किस्म के फल और मेवे इस तरफ से मटकर आ जाते हैं सूरत अल-قصص में अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम नुमक्किल लहु हरमन आमिना يجبا इलैही थमरतु कुल शैइन रज़क़म मिन लदन्ना वलाकिना अक्सारहुम ला यालमून और क्या हमने उन्हें एक बा हरम की जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर चीज के फल खींच कर लाए जाते हैं हमारी तरफ से रोज़ी के लिए यानी जो बंदे यहाँ हों उनको रिस्क पहुँचाने के लिए लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते और आप देखें कि साल भर के अक्सर हिस्से में इस कसीर तादाद में यानी दुनिया के किसी शहर की आबादी इतनी नहीं जितनी आबादी मक्का की है यानी लोकल रहने वाले मुराद नहीं यानी जो विज़िटर्स हैं जो हज और उमरे के लिए जाते हैं लेकिन किस तरह किसी चीज़ की भी कमी उनको नहीं होती पानी भी वाफिर पर मकदार में मिलता है दूध खाना पीना जो आपका दिल चाहे यानी वो चीज़ें जो आप अपने घर में भी नहीं खाते वो वहाँ पर आपको अल्लाह ताला बतौर रिस्क पहुँचाता है तो ये भी मक्का की बरकतों में से एक बरकत है और इसके साथ साथ फरमाया वह आलमीन हिदायत का ज़रिया भी है हिदायत दो तरह की होती है एक इल्मी और एक अमली इल्मी हिदायत तो जाहिर है कि अल्लाह ने ऐसी इबादतें मुकर कि जिनको सीखना ज़रूरी है वहाँ जाने के लिए और उस मुक़दस घर के साथ मखसूस हैं और दूसरा यह है कि वहाँ पर इंसान के अमल में भी वाज तब्दी आती है यानी नेकी के वो काम जो आम दिनों में करने की इंसान को तोफ़ी नहीं होती वहाँ अल्लाह सुबहान त फजल से एक एक एक्स्ट्रा किस्म की एनर्जी आ जाती है बरकत होती है वक्त के अंदर कम नींद के साथ भी इंसान थकावट महसूस नहीं करता और ये सारी बरकतें उस घर की वजह से हैं और वहाँ पर इंसान को जो उसके पास इल्म होता है उस पर शौक अमल का शौक़ भी होता है और फिर इस वजह से भी कि बहुत से मुसलमान इकट्ठे होते हैं हर तरह के और वो यानी अगर आपकी रफ्तार में कोई कमी आने लगती है तो आप अपने साथ देखते हैं कि आपसे ज़्यादा उम्र का इंसान आपसे ज़्यादा बीमार इंसान आपसे ज़्यादा आगे तेज़ बढ़ के चला जा रहा है तो आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ या मैं क्यों कमी को ताही करना हो और आपकी रफ्तार भी तेज़ हो जाती है और वैसे भी इंसान दूसरों की इबादत को देख कर अपनी इबादत की कमी को ताही को भी हिसाब कर लेता है कि मैं कितना पीछे हूँ बाजा लोगों के दुआओं मांगने का दुआएं मांगने का अंदाज़ लोगों के नवाफिल सजदे रुको रोना खुशो ये सारी चीज़ें दूसरे इंसानों को पास खड़े इंसानों को मुतासर करता है यानी ये हिदायत सिर्फ़ ये नहीं होती कि किताबों से वहाँ हिदायत मिलती है या वहाँ कोई ख़ास लेक्चर होते हैं जिनसे हिदायत मिलती है बल्कि अमल करने वालों के अमल से बहुत बड़ी हिदायत इंसान लेकर वापस लौटता है और वैसे भी आप देखें कि सारी उम्मत का एक किबला है सब के लिए एक डायरेक्शन है आ, अपनी नमाजों में तो ये भी एक हिदायत का ज़रिया है मुसलमानों को मुतहद करती है और फिर ये कि हम सब जानते हैं कि हज का सफ़र हो या उम्रे का सफ़र हो ये इंसान के ईमान में और अमल में इजाफे का बायस बनता है और हिदायत में बायस हिदायत में इजाफे का बायस बनता है बहुत से लोग वहाँ जाकर कुरान मजीद को समझने का शौक वापस लेकर लौटते हैं जब इमाम साहब को के रात करते हुए रोते हुए सुनते हैं या दूसरे लोग जो आस पास खड़े होते हैं उनकी सिस्कियाँ या सॉबिंग सुनते हैं तो इंसान सोचता है कि ये लोग किस बात पे रो रहे हैं और मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा और मैं ये क्या कहा जा रहा है और क्या पढ़ा जा रहा है ऑब्वियसली जहाँ वही नाजिल हुई हुआ इंसान उस फ़िज़ा को देखता है उन पहाड़ों को देखता है उस ज़मीन को देखता है कि अल्लाह सुबहान जगह को चुना अपने कलाम को उतारने के लिए तो ये सारी चीज़ें इंसान के दिल को नरम करती हैं और इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत उसके दीन की मोहब्बत उसकी किताब की मोहब्बत उसको सीखने की मोहब्बत और अल्लाह के रस्ते पर चलने की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होती है और ये बहुत से लोगों के लिए हिदायत का सबब बनता है इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अगर बच्चों की तरफ से आपको परेशानी हो कि वो दीन की तरफ नहीं आ रहे या दीन से उनको मोहब्बत नहीं तो किसी भी तरह उनको अल्लाह के घर ले जाएं अल्लाह सब्बान तआला उनके दिलों में दीन की मोहब्बत डाल देगा क्योंकि वहाँ जाकर एक यकीन की कैफियत में इजाफा होता है कि वाकई अल्लाह है वाकई अल्लाह के रसूल हैं और ये दीन वाकई इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर वो सारी चीज़ें जिनको इंसान एक्सपीरियंस करता है वो इंसान के ईमान और हिदायत में इजाफे का ज़रिया बनता है इसीलिए फरमाया हदीन के ये घर लो सारे जहान वालों के लिए हिदायत का ज़रिया भी है क्यों इसलिए फी ही आया तुम बना तुम मकाम इब्राहिम इसमें बहुत सी वाज निशानियां हैं यानी ऐसी निशानियां हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं जान सकते हैं यकीन कर सकते हैं कि किस तरह ये एक चटियल मैदान में ये घर तामीर किया गया और किस तरह अल्लाह ताला ने इसको आबाद कर दिया और किस तरह मुजाना तौर पर उन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा चश्मा जारी किया जो हजारों साल से पानी निकाल रहा है और उसका पानी खत्म नहीं हो रहा ये एक बहुत बड़ा मुझा है और सिर्फ यहाँ वहाँ के लोग नहीं यानी मैं नहीं समझती कि जो मक्का में हर उमरे के लिए खास तौर पर जाते हैं वो कोई अपना दिन गुजारते हैं जमजम पिए बगैर हर शख्स मस्जिद जाते हुए वापसी पे जमजम की भीड़ लगी होती है भर भर के भी ले जा रहे होते हैं और उसको सादा समझते और फिर वापस अपने अपने वतन लौटते हुए मेरी दुनिया के किस मुल्क में जमजम नहीं पहुंचा कोई और पानी इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं गया तो ये कितनी बड़ी निशानी है कि किस तरह ये चश्मे का पानी ख़त्म होने को नहीं आता फिर इसी तरह यह है कि अरब पूरे का पूरा बदमनी का शिकार था और किस तरह अल्लाह ताला ने इस घर को अमन वाला बनाया और फिर ये कि यहाँ के पथरीले और बेआब गया वादी में अल्लाह ने किस तरह रिस्क पहुँचाया के तजारत का जरिया उस जगह को बनाया और लोगों के आ, रिस्क कमाने का ज़रिया बनाया यानी एक मरकज़ी तजारती मंडी की हैसियत मक्का इख्तियार कर गया था हज के इस आ, हज के इस मनसक की वजह से और फिर दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तरह के फल और गल्ले और यानी कौ, कौन सी चीज़ जो आसमान के नीचे उगती है और फिर या पैदा होती है या बनती है और वह आपको वहाँ ना मिले अल्लाह सुबहान हर तरह के रिस्क का बंदोबस्त करते हैं फिर इसी तरह खास तौर पर मकाम इब्राहिम की यहाँ बात की गई वो पत्थर जिस पर इब्राहिम सलाम ने खड़े होकर उस घर की तामीर की थी और उस पर वो कदमों के निशान भी मौजूद हैं जो इंसान अपनी आंखों से देखता है तो उसके यकीन में इजाफा होता है अल्लाह वाकई ये अल्लाह का घर ही है और अल्लाह ताला ने इनको भी इन निशानात को भी प्रिजर्व किया हुआ है और पुराने मजीद में उसका जिक्र भी किया गया है फिर इसी तरह सफा मरवा की पहाड़ियाँ हैं और फिर किस तरह उनके दरम्यान हजरत हाजा दौड़ी थी और फिर किस तरह मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया वतू में मकाम इब्राहिमा मुसल्ह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने फरमाया हजर असवद और मकाम इब्राहिम यानी ये पत्थर जन्नत के याकूत हैं अगर बनी आदम की खताओं और गुनाहों ने इसे ना छुआ होता तो मशरक और मगरब के दरमियान जो कुछ है वो उसे रोशन कर देते और जो मरीज और माजूर उसे छूता उसे शिफा दे दी जाती यानी ये दोनों पत्थर जन्नत के पत्थर हैं स्याह क्यों हुए हैं लोगों के गुनाहों की वजह से यानी वो हाथ लगाते थे तो उनके रंग बदलते गए और अगर ये स्याह ना होते तो जहाँ ये पूरे जहान में रोशनी करते वहां लोगों के लिए शफा का बायस भी बनते हैं फिर फरमाया वमन अमन दखल हु जो इस हरम में दाखिल हुआ वो अमन में आ जाता है यानी अमन का गहवारा है सूरत अलबकरा में आता है वह इस जालब ती व अमना और जब हमने इस घर को लोगों के लिए लौट कर आने की जगह और सरासर अमन बना दिया शादी कहते हैं अल्लाह ने अपने इस मोहतरम घर को लोगों के बार बार लौटने की जगह करार दी नहीं ये हो नहीं सकता कि जो एक दफ़ा जाए उसका दिल भर जाए कि बस अब आइंदा मैंने कभी नहीं आना वो हमेशा ये दुआएं मांग कर आता कि अल्लाह ताला फिर आप जल्द दोबारा बुलाए तो क्यों ताकि वो अपने दीनी और दुनियावी फायदों को हासिल करें वो इसकी तरफ बार बार आते हैं और वहाँ बार बार जाने के बावजूद उनका दिल नहीं भरता अमन की जगह ऐसी कि जहाँ इंसानों को तो अमन है ही वहाँ जंगली जानवरों और दरख्तों तक को भी अमन हासिल है कि उनको भी कोई नहीं छेड़ सकता अहले जाहिलियत जो थे वो इस जगह का इतना एहतराम करते थे कि अगर हरम के अंदर अपने बाप के कातिल को भी देख लेते तो उससे बदला नहीं लेते थे उसको छोड़ देते थे जब तक कि वो उस जगह से बाहर नहीं आ जाता था तो इस्लाम के आने की वजह से इस जगह की हरमत अजमत और शरफ़ और तकजीब तकरीब में और ज्यादा इजाफा हो गया और फिर यह है कि दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी अमन वाली जगह है और अमन इस एतबार से भी के बाहर भी चोरी और डाका और इन चीज़ों से ये जगह महफूज है और अमन अंदर का इनर पीस भी जब इंसान वहां पहुंच जाता है तो एक खास किस्म का सुकून और एक इतमान नसीब होता है जो कि दूसरी जगहों पर जाने से ऐसी बेफिक्री और इसतगना इंसान को हासिल नहीं होता और फिर अल्लाह ताला ने नेमत तक इस जगह को हरमत वाली जगह बना दिया है इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन फरमाया अब मक्का से हिजरत नहीं रही अलबत जहाद और उसकी नीयत बाकी है इसलिए जब तुम्हें जहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया जाए तो फौरन निकल पड़ो आपने यह भी फरमाया हराम करार दिया यानी ये शुरू से ही चोजन जगह है इसलिए ये शहर अल्लाह की हरमत के बास क्यामत तक के लिए हराम ही रहेगा हराम ही रहेगा मुराद ये है कि यहाँ जानवर पौधे इन सब को नुकसान देना या इनका शिकार करना या इनका काटना या फिर गिरी पड़ी चीज को उठाना इन सब चीजों से मना कर दिया गया ताकि लोगों यानी हर तरह से यहां अमन ही अमन हो फिर इसी तरह यह है कि इस घर की तरफ निकलने वाला भी अल्लाह की हिफाजत में होता है रसूल ने फरमाया तीन किस्म के लोग अल्लाह अज्जा जल्ला की हिफाजत और जमानत में होते हैं अल्लाह जवरज्ला की मसाजिद में से किसी मस्जिद की तरफ निकलने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने वाला और हज की अदायगी के लिए निकलने वाला इसी तरह ये जगह दज्जाल के फितने से भी अमन में रहेगी यानी दज्जाल यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शहर में दज्जाल का गुजर होगा यानी जब दज्जाल आएगा तो हर शहर में जाएगा पूरी दुनिया घूमेगा मगर मक्का और मदीना में नहीं आएगा क्योंकि उसके तमाम रास इनके तमाम रास्तों पर सफ बस्त रिश्ते पहरा देंगे और मदीना अपने मकीनों को तीन बार जोर से हिलाएगा हर काफिर और मुनाफे को उससे निकाल देगा लेकिन दज्जाल यहाँ नहीं आ सकेगा फिर फरमाया व ही बैत मन इस्तता मनस्त सबीला लोगों पर अल्लाह का हक है कि वो इस घर का हज करें लिल्लाही, सिर्फ अल्लाह के लिए करें इखलास यानी वो अल्लाह का घर है वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए इससे ये पता चलता है कि हज की नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए लोगों को दिखावे के लिए नहीं और लोगों के सामने पायस बनने के लिए या नेक कहलाने के लिए या हाजी कहलाने के लिए या किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए यानी अल्लाह की खातिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के घर की ज्यारत और इस पे आप देखिए कि वल जार मजरूर है और इसको मुकदम यानी पहले लाया गया यानी इससे यह पता चलता है कि हज और उम्र का जो आ, असल मकसद है वो अल्लाह की खुशी हासिल करना है खुशनुदी हासिल करना है अल्लाह की रज़ा पाना है अल्लाह ताली को मनाना है अल्लाह ताली का कुर्ब हासिल करना है अल्लाह ताली की इबादत अल्लाह तला के हुक्म की तामील करना है यानी ये सरासर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है बकरा में भी आता है वह ला हज और उमरा अल्लाह ही की खातिर इख्तियार करो वामा उमिर अब मुखलसन अलादीन उन्हें तो यही हुक्म दिया गया कि खालिसतन अल्लाह ही के लिए दीन को खालिस करते हुए उसकी इबादत करें क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला सिर्फ खालिस अमल को ही कबूल करता है इसलिए जो लोग हज पे जाने का इरादा करें वो बार बार अपनी नीयत का जायज़ा लें कि मैं ये सफ़र क्यों इख्तियार कर रहा हूँ और मेरे दिल में कभी भी ये ख़्याल ना आए कि कोई कहे कि वाह ये तो बार बार हज पे जाती हैं या ये तो यानी बड़ी नेक है और इस किस्म की कोई चीज जहन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह सुबहान सिर्फ़ उस अमल को कबूल करता है जो खालिसतन उसके लिए किया जाए और सिर्फ उसके चेहरे की खातिर किया जाए इसलिए सबसे यानी हज के लिए जाने में जो तैयारी का मरहला है उसमें सबसे पहला मरहला वह ला ही हजुल्ला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए पर जिसके पास वहां जाने की यानी रास्ते की सवारी के लिए भी वसायल है और वहां रहने के भी वसायल मौजूद है यानी अखराजात है उसके पास खाने पीने के और अगर उसके जिम्मा पीछे उसकी फैमिली है या घर वाले हैं या कुछ और लोग हैं तो उन सब की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए भी उसके पास अखराज हो इसी तरह यह के रास्ता भी पुर अमन हो और सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से भी इंसान वहां जाने के काबिल हो और औरत के लिए महरम का होना भी जरूरी है तो बहरहाल हज एक फरीजा है फर्ज इबादत है जो सब पर फर्ज नहीं साहिब इस्तात लोगों पर फर्ज है और ये जिंदगी में एक बार फर्ज है एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि क्या हर साल फर्ज है तो आपने क्या बताया उसको कि एक बार ही फर्ज है आपने फरमाया अगर मैं कह देता तो तुम पर हर साल हज वाजिब हो जाता और तुम उस पर अमल ना कर सकते हज सारी जिंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है लेकिन नफली हज की इजाजत है जब भी इंसान चाहे एक से ज्यादा जितने भी करे वो नफली हज होंगे और अगर इंसान के पास इस्तात है सारे वसाइल हैं हर लिहाज से सहूलत मौजूद है लेकिन सुस्ती और काहली की वजह से इंसान हज के फरीजे को अदा नहीं करता तो वो सख्त गुनागार है इसीलिए फरमाया वमन का फरफामी और जो हज के फरीजे का इनकार करे यानी इस्तात और कुदरत के बावजूद हज ना करे तो अल्लाह ताला उससे और उसके हज से और तमाम लोगों से बेनियाज है यानी अल्लाह ताला को किसी के हज की जरूरत नहीं है और किसी की भी परवाह नहीं है तो हज ना करना अब कुफर का माना क्या है एक है कुफरान नमत यानी जो शख्स हज की फर्जियत कायल का है ताकत भी है, लेकिन बेतुल्ला का हज नहीं करता वो कुफराने नेमत का होता है, का होता है, ना का लेकिन अगर वो फर्जियत का इनकार ही कर देता है कि तो मैं नहीं मानता आज वज कोई चीज है तो फिर वो दीन से निकल जाता है फिर वो कुफरे अकबर का शिकार होता है, ठीक है यानी अगर कोई सुस्ती की वजह से या कोई चीज़ों को आर्ट बना के बहाना करके या घबरा के कि वहाँ सफ़र बहुत मुश्किल है वहाँ रश बहुत होता है लोगों के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है टॉयलेट शेयर करना पड़ता है ये मैं नहीं कर सकता मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है जैसे आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर इंडिविजुअलिज्म बहुत आ गया इंडिपेंडेंसी बहुत आ गई कि हम आ, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते तो इस वजह से ये चीज़ें रुकावट बनी हुई है ये सिर्फ दूसरे लफ्सों में नफ्स हायल हुआ हुआ है तो ये कुफरान नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया और फिर भी आप अल्लाह के घर नहीं जाते तो इस आयत में बेसिकली हज की फर्जियत का ताकीदी हुक्म है यानी हज कोई हॉलीडेज नहीं है हज एक फर्ज की अदायगी का जरिया है और अगर देखा जाए तो इसमें ताकिद की बहुत सी किस्में हैं इस आयत के अंदर सबसे पहले वलिल्लाहि ही से यानी ये अल्लाह का हक है जो हमें अदा हकूक अल्लाह की बात होती है तो ये अल्लाह का हक है जो लोगों की गर्दनों पर वाजिब है और वो इस फरीजे को अदा करने से जुदा नहीं हो सकते इसकी जिम्मेदारी से निकल नहीं सकते और फिर आप देखें कि मजीद नसीहत है इसमें मजीद ताकद है और फिर ये नहीं कहा कि वम यह जो हज ना करे बल्कि कहा वमन का फरा जो इनकार करते यानी अमली इनकार या इनकार, तो वो वो शख़्स सख्त गुनाहगार है तो इसलिए इंसान को अगर उसके पास वसाइल हैं तो पहली फुर्सत में अपने फरीज़े से दस्तरदार हो जाना चाहिए अब हम देखते हैं कि हज का माना क्या है और इसका महूम क्या है यानी हज का लफ्ज क्या माने रखता है लुत में हज का मस्तर हज है या हज हजन इसका माना होता है इरादा करना यानी किसी काबिल ताज़ीम चीज का इरादा करके बार बार उसकी तरफ आना और जाना कहा जाता है हजल मकान यानि उसने उस जगह का इरादा किया वहाँ जाने का इरादा किया किसी जगह जाने का जब इरादा होता है तो इंसान जहाँ उसकी कोई गर्ज़ हो जरूरत हो बार बार जब उसकी तरफ आता और जाता है तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसी तरह हजत का लफ्ज़ भी इसी से ही निकला है क्योंकि इंसान झगड़ा करने के मकाम पर अपनी हजत या दलील को इस्तेमाल करता है यानी उसका इरादा करता है और उसको लेके आता है और जो शख्स हज करता है उसको हाज कहते हैं उर्दू में हाजी कहते हैं लेकिन अरबी में हज और इसकी जमा हजाज है और हजीज भी है और इसलाह में शरीयत के <coughs> शरीयत के मुकर्रर दिनों में यानी अल्लाह सुबहान ताला ने जो दिन मुकर्रर किए हैं उनमें मखसूस मकामात पर हाजिर होकर मुकर्र इबादत की अदायगी को हज कहते हैं मुकरर दिन मुकरर मकाम मुकर इबादत यानी ये नहीं कि आप जब जी चाहे चले जाए और जहां जी चाहे चले जाए और जिस तरीके से जी चाहे कर लें नहीं वक्त भी मुकर्र है यानी महीने मुकर्र हैं दिन और औकात भी मुकरर है इसके जगह भी मुकरर है कि किस दिन किस वक्त किस जगह पर जाना है और फिर वहां पर क्या करना है तो हज इन तमाम चीजों को का इहाता करता है। हज नौ हिजरी में फर्ज हुआ था अगर अगचे दौरे जाहिलियत में भी हज होता था और बाद में भी लोग हज करते रहे लेकिन बाकायदा इस्लामी तौर पर नौ हिजरी में हज फर्ज हुआ इस साल नौ हिजरी को रसूल वसल्लम ने अबू बकर रजी अन्हु की क्यादत में हज का काफिला रवाना किया था और उसमें फरमाया था कि को आज के बाद कोई नंगा हज नहीं करेगा क्योंकि दौरे जाहिलियत में बहुत सी तब्दीलियां कर ली गई थी हज के तरीके में और इसी तरह यह ऐलान भी किया गया था कि आइंदा साल कोई मुशरक हज करने नहीं आएगा जब बैतुल्ला हर तरह के शिरक से पाक हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दस हिजरी में पहला और आखिरी हज किया जिसको वदा कहते हैं इसको इस्लाम भी कहा जाता है और इसमें वो मशहूर खुतबा भी दिया जिसको हज खुतब वदा कहा जाता है हज एक हज एक अहम फरीजा है जिसकी फर्जियत हमें कुरान मजीद से और हदीस से पता चलती है अबू हुरैरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया अय्युहन्नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फहुज्जु ऐ लोगो यकीनन अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है बस तुम हज करो इब्ने उमर कहते हैं कि हर मुसलमान पर हज और उमरा वाजिब है लेकिन जिंदगी में एक ही बार और जो एक से ज्यादा दफा करे तो वो उसके लिए नफल है हज का फरीजा अदा करने में जल्दी करनी चाहिए ताखिर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान को नहीं पता कब उसको कौन सी रुकावट पेश आ जाए माल खत्म हो जाए या सेहत ना रहे या जिंदगी ना रहे तो ऐसा ना हो कि इंसान ये कर्ज अपने सर लेकर दुनिया से जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का हज का इरादा हो उसे ये इरादा जल्द पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि बाजों का सवारी गुम हो जाती है कभी कोई बीमार हो जाता है कभी कोई जरूरत आड़े आ जाती है, और कभी कोविड आ जाता है रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं इसी तरह अगर एक वक्त में बहुत सी नेकियां करने के चांसेस हों तो उसमें हज को तरजीह देनी चाहिए एक शख्स उमर रजियाल्ला के पास आया उसने कहा अः मीर मैं एक बदवी नसरानी आदमी था यानी मैं क्रिश्चियन था मुसलमान हो गया हूँ जिहाद पर जाने का हरीस था मगर मैंने देखा कि हज हाँ जो उमरा मुझ पर वाजिब हो चुका है तो मैं अपनी कौम के एक आदमी के पास आया उसने मुझे कहा कि हज हाँ और उमरे को इकट्ठा कर लो और जो मैसर कुर्बानी कर लो चनाचे मैंने इन दोनों का इकट्ठा तलबिया पुकारा है तो नबी तो उमर रजी अल्लाह उन्होंने बत, उसको बताया कि तुम्हें तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की हिदायत मिली है यानी नंबर एक के तुम जहाद पर जाने की बजाय पहले तुमने हज की तरफ इरादा किया और फिर हज के साथ उमरे को भी जमा कर लिया और फिर यह कि कुर्बानी भी चूंकि हज के मुनासिक में से एक है याद रखिए मैयत से भी हज साकित नहीं होता यानी अगर किसी पे फर्ज था और वो फौत हो गया उसका इरादा था करने का लेकिन इससे पहले कि वो जाता आपने देखा होगा बाजुकात लोगों की बुकिंग हो चुकी होती है आ, बाज लोग वहां पहुंच चुके होते हैं और अभी हज शुरू नहीं होता और उनकी वफात हो जाती है तो फरीजा साकित नहीं होता कि अब, भी, अब जैसे नमाज खत्म हो जाती बस ठीक लेकिन ये फरीजा साकिित नहीं होता जैसे रोजे साकित नहीं होते ना ऐसे हज भी साकित नहीं होता इबन अब्बास कहते हैं एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालिद हज किए बगैर फौत हो गए हैं तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूं आपने फरमाया बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता तो क्या तुम उसे अदा करते उसने कहा जी हाँ आपने फरमाया तो अल्लाह का कर्ज अदायगी का ज्यादा हकदार है ये कर्ज है इसे अदा करो बहुत से लोग साहिब इस्तेतात होने के बावजूद तरह तरह के उज़र पेश करते हैं अभी बच्चों की तालीम हो, पूरी हो जाए बेटियों की शादी हो जाए फिर हज करेंगे तो बात यह है कि कुछ खर्च हमारी जिंदगी में ऑन गोइंग होते हैं वो रहते ही हैं लेकिन इसके बावजूद अगर हम इसराफ से बचते हुए सेविंग कर सकें और हज के लिए जाएं तो यही ज्यादा बेहतर है यानी बाजों का आप देखें कि शादी करने का जो उजर बहाना हम करते हैं तो शादी से मुराद सिर्फ शादी नहीं होती शादी पर उससे भी ज्यादा खर्च कर डालते हैं जो हज के लिए काफी होता है यानी आप आसानी से शादी भी कर सकते हैं और हज भी कर सकते हैं दोनों काम हो सकते हैं लेकिन चूंकि हमने अप शादी के अपने तरीके ईजाद किए हुए हैं जिस पर बेतहाशा खर्च करना है इसराफ करना है तो ये उजर काबिल कबूल नहीं है इसी तरह अगर इंसान के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ गई शादी का मौका आ गया है रिश्ता मिल गया है और आ, ये मालूम है कि अगर शादी नहीं की तो बच्चे के हराम में पढ़ने का ख़तरा है या कोई और ऐसी वजह है तो वक्ती तौर पर वो डिले कर सकता है कि वो पहले एक फरीज़े को अदा करके चला जाए लेकिन अगर कोई रिश्ता ही नहीं है और कोई वसाइल ही ऐसे नहीं है और कोई मौका ही नहीं है और सिर्फ ये सोचना कि जब शादियां हो जाएंगे वो तो पता नहीं तीस साल में भी होती है कहीं और का बच्चे बिलावजा भी डिले करते रहते हैं तो इस चीज को जर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है इस इस पर ये दीन का एक पिलर है साहिब इस्तात का दीन मुकम्मल नहीं होता जब तक वो इस रुकन की अदायगी नहीं कर लेता तो इसलिए इस मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए अपनी उमर कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं नमाज क़ायम करना जक़ात अदा करना हज करना और रमजान के रोजे रखना फिर इसी तरह यह इस्लाम की एक मजबूत रस्सी है यानी जिसने इसको पकड़ लिया उसने इस्लाम को गया मजबूती से पकड़ लिया बराब ने आज़िब कहते हैं एक मरतबा हम रसूल अल्लाह सलम के पास बैठे हुए थे कि आपने पूछा इस्लाम की कौन सी रस्सी सबसे ज्यादा मजबूत है साहबा ने अर्ज किया नमाज आपने फरमाया बहुत खूब और क्या है अर्ज किया जक़ात फरमाया बहुत खूब और क्या है साहबा ने अर्ज किया रमज़ान के रोजे आपने फरमाया बहुत खूब और क्या है ने कहा हज यानी जब तक हज का जिक्र नहीं किया आपने उनको छोड़ा नहीं। तो इसी तरह यह है कि ये एक मुसलमान की पहचान भी है इब्ने उमर कहते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील के सवाल के बारे में रिवायत करते हैं जो उन्होंने इस्लाम के बारे में किया था तो आपने फरमाया इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और बिला शुबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और ये कि तुम नमाज कायम करो जकवात अदा करो हज करो और उम्रा करो हसल जनाबत करो मुकम्मल वजू करो रमजान के रोजे रखो उन्होंने कहा जब मैं ये काम कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो गया आपने फरमाया हाँ हाँ फिर इसी तरह यह है कि सहाबा जो थे वो हज को बड़ी नेकियों में शुमार किया करते थे अबू हुरैरा कहते हैं रसूल वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान गुलाम जब अल्लाह का और अपने आका का हक अदा करे तो उसके लिए दो अजर हैं अबू हुरैरा कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है अगर जिहाद जिहादी सबी हज और अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक आड़े ना आए तो मैं इस बात को पसंद करता कि मुझे मौत आए इस हाल में कि मैं ग़ुलाम हूँ क्योंकि उसके लिए दुगना अजर है इन तमाम चीज़ों को अदा फर्ज अदा करने का फिर तो इसी तरह यह है कि साहबा हज को बहुत बड़ी नेकी शुमार किया करते थे एक शख्स अबू मुसा अशरी के पास आया कहने लगा अबू मुसा मैं हज का अमल यानी कि मैं हज का अमल अंजाम देता रहता था यानी मैं पहले हज करता रहता था और अब मैं कमजोर और बूढ़ा हो गया हूँ कोई ऐसा अमल है जो उसके बराबर हो यानी अब मैं हज पर नहीं जा सकता तो कोई और काम कर लू ताकि नेकी के जो हरीस होते थे मुसा ने कहा क्या तुम ताकत रखते हो कि तुम इस्माइल की औलाद से सत्तर मोमिन गुलाम आज़ाद कर दो जहाँ तक वहाँ जाकर पड़ाव करना और वहाँ से कूच करना है यानी हज के लिए तो मैं इसके बराबर और इस जैसा कोई अमल नहीं पाता यानी कुछ और इसको यानी जो मशक्क़त वहाँ जाकर इंसान करता है और जो माल खर्च करता है और जो इबादात वहां करता है वो यानी मिलजुल कर इतना बड़ा अमल बन जाते हैं कि उसके इक्वल फिर कोई और नेकी नहीं बनती ताहूस से पूछा गया कि फर्ज हज के बाद नफली हज करना अफजल है या खाली सदका करना उन्होंने कहा कि कहा मक्का में जाकर पड़ाव करना फिर कूच करना रातों को जागना मशक्कत उठाना बैतुल्ला का तवाफ करना उसके पास नमाज पढ़ना अरफा में हुकूफ़ करना कंकरियाँ मारना और कहाँ कोई और अमल यानी इस जैसा अमल तो नहीं हो सकता ये सब कुछ तो वहीं होता है और इनमें से एक एक जो है वो बहुत अजर का बायस है अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि दो इबादात ऐसी हैं कि मैं चाहता हूं कि हर बंदे को उसमें से नसीब हासिल हो हालत का प्रागंदा होना और सफ़र को इख्तियार करना यानी इंसान अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठाए मुशक्कत उठाए वो कहते हैं असद ने हज और उम्र का इसी मरतबा सफर किया असवद बिन यद रिवायत कर रहे हैं अब्दरहमान बिन असद ने साठ मरतबा सफर हज किया इब्न शोज कहते हैं मैं मक्का में 106 हिजरी को ताउस के जनाजे में हाजिर हुआ तो मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि अब ये ताउस की क्या है अल्लाह आप पर रहम फरमाए आपने 40 हज किए किसी और के बारे में बात हो रही है यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आता है कि उन्होंने चालीस चालीस हज किए हर साल हज करते हैं इनमें से सईद बिन मुसैम है अताब बिन अबी रबा है अयूब सख्ती हैं हमाम बन्नाफ़े हैं और इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं कि वो हर साल इसी तरह ये जो कारी सऊद शुरैम है इनके बारे में आता है कि हर साल पैदल चले जाते हैं आज के लिए तो यह है कि यानी मक्का से निकलना आसान होता है और बहुत से लोग चूँकि जा रहे होते हैं तो वॉक करना भी इतना मुश्किल नहीं लगता और जिन लोगों को वैसे भी आदत हो उन इलाकों में चलने की और गर्मी सहने की उनके लिए और भी आसान होता है बहरहाल तो ये अपने अपने शौक की बात है बहुत से लोग अपने पैसे जमा करके तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सैर करने चले जाते हैं बीचिस पे चले जाते हैं कोई और रिजॉर्ट्स पे चले जाते हैं लेकिन अल्लाह के घर नहीं जाते जबकि अल्लाह का घर इसका ज्यादा मुस्तहिक़ है कि इंसान वहां पर खुद भी जाए और बच्चों को भी ले जाए और अपने कमजोर होते हुए ईमान को मजीद ताकतवर बनाए अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे फिर मैं बाकी हिस्सा मुकम्मल करूँ अल्लाम अलहमदिल्ला का शुक्र आज इतना सा बैठे हैं आप सामने बैठे हैं सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे दो आपने था ना कुफरे असगर यानी सुस्ती की वजह से और एक था कि जो हज का सिरे से इनकार कर दी तो इसमें जैसे कुछ रीजंस आपने बताए कि

जहाँ तक उनकी पढ़ाई का ताल्लुक है पढ़ रहे हैं अब साल मिस नहीं कर सकते छुट्टियों में अगर हज तो और बात है तो वो अगर वालदे उनको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं तो वो ठीक है चले जाए लेकिन यह है कि अगर वो नहीं जाते तो कुफरान नहीं, नहीं है और क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ जिस इंसान का मतलब किसी की तरफ से हम हज जैसे कर सकते हैं जैसे हजब जैसे कह दें अगर किसी कोई ऐसा जैसे रिश्तेदार हो जिसकी कोई अपनी इंटेंशन ना हो हज करने की तो आ, उसके लिए हम फिर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जबरदस्ती तो वाली बात है आपको सवाब हो जाएगा जिसकी हाँ। इंटेंशन ही नहीं क्योंकि आप देखें पहली चीज जहाँ हज की फर्जियत का जिक्र हुआ है वली तो अल्लाह की खातिर अल्लाह की रजा अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह का हक अदा करते हुए जो ये करेगा वो असल हज कर रहा है तो जब तक वो शामिल ना हो तो उस वक्त तक हज अदा नहीं होता अगर कोई शख्स बगैर नीयत ऐसे घूमने फिरने चला जाए कि मैं देख के आता हूँ वहा क्या होता है तो सारी जगहों पे फिर के आए हज नहीं होगा उसका जी उसका फरीजा अदा नहीं होगा जिसकी अपनी कोई इंटेंशन ही नहीं जी हो कुछ लोगों को ये सुना है कहते हो कि अगर रमजान में हमने उमरा कर लिया तो उसका मतलब है कि हज का सवाब है सवाब तो होगा सवाब हज का है लेकिन हज अदा नहीं हुआ फर्ज अदा नहीं हुआ रमजान में उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका हज अदा हो गया था सदा जी एक और सवाल है अगर बहन जा रही हो हज पे और साथ उनके हस्बैंड हो तो दूसरी बहन साथ जा सकती है वो बहनोई महरम हो सकती है अगर ग्रुप बड़ा हो तो अगर ग्रुप बड़ा है जी जैसा कि okay, अगर किसी ने बड़े पैसे जमा करके हज के लिए तैयारी की थी सब कुछ हुआ लेकिन वो किसी वजह से रुक गया वो पैसा भी कहीं ख़त्म हो गया क्योंकि पैसे जब जमा करा देते हैं तो वो आधे वापस करते हैं आधे नहीं करते तो फिर दोबारा उसके लिए पैसा जमा किया जा सकता या उसको दिया जा सकता है गिफ्ट या वो कैसे जाए क्योंकि वो उनके हालात ऐसे नहीं कि के बीच दूसरे हाँ, लोग उसकी मदद कर सकते हैं आगे आएगा इंशाल्लाह देखें एक बड़ा मजेदार किस्सा आ रहा है अच्छा ओके जीज़ी, स्नारे, जीज़ी, स्नारे, स्नारे, जीज़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक माशा माशा बहुत दिल खुश हुआ उस जी दो चीजें दिल को बहुत असर की एक तो जैसे आपने शुरू में फरमाया ना अल्लाह असमान तला ने हुक्म दिया कि आप बुलाएं लोग आएंगे उनको लग रहा था कि तो वीराना है कौन आएगा तो ऐसे जब हम कोई कोर्सेज वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हम इतने डबल माइंडेड होते हैं पता नहीं हमें करना चाहिए स्टार्ट कि नहीं क्या आएगा कि नहीं आएगा तो वो इतनी अच्छी बात देखो लेगी कि आप शुरू करें आप अपना काम करें बाकी इन शस्म ती की मदद हो जाएगी और दूसरे इतना मोटिवेशनल था वरना तो हम यही समझ रहे थे कि एक दफ़ा वाला हर हज कर लिया फर्ज वाला बस उम्र करते जाओ तो अल्लाह अस्सी अस्सी सत्तर सत्तर चालीस चालीस हज उन्होंने और फिर ये वाली अदीस के कोई है ही नहीं है इसके बराबर की नेकी तो कोई है ही नहीं है तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल जजाक मजा खैर जजाक हज की फजीलत के बारे में कई एक अदीस भी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह से मरवी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा अमल सबसे अफजल है आपने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना पूछा गया इसके बाद आपने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना पूछा गया इसके बाद आपने फरमाया हज मकबूल अबू शासा कहते हैं कि मैंने नेक अमाल में गौर किया तो देखा कि नमाज का अमल जिस्म को मशक्क़त में डालता है लेकिन माल को नहीं यानी आपको कोई पैसे खर्च नहीं होते नमाज पढ़ने में रोजा भी ऐसे ही है आप रूटीन में भी खाते हैं तो आप थोड़ा वक्त से पहले खा लेते हैं नाश्ते से पहले यानी सहरी कर लेते हैं जबकि हज हज दोनों को मशक्क़त में डालता है यानी आपके जिस्म को भी और आपके माल को भी तो कह लेंगे इस बिना पर मेरा ख्याल है कि हज सबसे अफजल है फिर ये सबील अल्लाह में से है अल्लाह के रास्ते में नबी वसल्लम ने फरमायाज जबलत मिन सबील बेशक हज और उम्र अल्लाह के रास्ते में से है एक और रवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में गाजी और हज और उमरा करने वाले अल्लाह के वफद हैं यानी अल्लाह के मेहमान हैं अल्लाह ने इनको बुलाया उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उनको अता किया यानी वो अल्लाह के कहने पे आए हैं और अल्लाह सुबहान दुआएं भी सुनते हैं हज करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करने वाले और उमरा करने वाले अल्लाह के वफद हैं अगर वो उससे दुआ मांगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और अगर वो उससे बख्शिश तलब करें तो अल्लाह ताला उनको बख्श देगा यानी अगर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देता है हदीस में आता है व अन्नल हज यह दिमा का हज़ गुजश्ता सारे गुनाहों को मिटा देता है इंसान हज करके ऐसे लौटता है जैसे माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है और बेगुनाह होता है लेकिन उसके लिए शर्त है कि वहां कोई बेहुदा या गुनाह की बात ना करे हाजी को माफ करना अल्लाह के जिम्मा है पैदर दर पे हज करना फकर और मोहताजी को दूर करता है का लफ्ज़ आता है यानी इंसान वहाँ जाता है अपने रिस्क में इजाफे की दुआएं करता है तो अल्लाह व तआला उसकी दुआएं कबूल करता है उसके उसके माल में रिस्क में इजाफा फरमा देता है या ये है कि उसके जो फ़ख्रो फाक़ा या मोहताजी मोहताजी माल की भी होती है और उसके अलावा भी कुछ चीज़ों के की इंसान की ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी में वो दुआएं भी कबूल होती हैं तो अल्लाह ताला उसके दिल को एक इस्तगना अदा करता है फिर इसी तरह यह है कि इंसान के बहुत से बोझ उससे हल्के हो जाते हैं जब इंसान वहाँ जाकर दुआएँ करते हुए अपने मामला अल्लाह तकुर्द करता है अब वालिब कहते हैं मुझे इबन अब्बास ने कहा हमेशा इस बैतल्ला हमेशा इस बैतुल्लाह की तरफ आना जाना रखो यानी आते जाते रहो बस अगर तुम हमेशा इस घर की तरफ आते जाते रहोगे तो तुम अल्लाह को इस हाल में मिलोगे कि तुम पर बोझ कम होगा यानी गुनाहों का बोझ कम होगा यानी वहां जाने की वजह से गुना मिटते रहेंगे इसी तरह कमजोर लोगों बूढ़ों औरतों और का जहाद है ये हज रसूल अल्लाह सल्लाम ने फरमाया बच्चे बूढ़े कमजोर और औरत का जहाद हज और उम्र करना है हजरत आशा ने रसूल अल्लाह सल्लाम से सवाल किया या अल्लाह क्या औरतों पर जहाद फर्ज है आपने फरमाया औरतों का जिहाद हज और उमरा है एक और रिवायत में है वो कहती है मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या औरतों पर भी जिहाद फर्ज है आपने फरमाया हाँ उन पर ऐसा जहाद फर्ज है जिसमें जंग नहीं होती वो हज और उम्र है फिर इसी तरह इस फरीसे की अदायगी में जो इंसान को रास्ते में कोई तकलीफ पहुंच जाती है कोई बीमारी लग जाती है कोई निशान लग जाता है तो उनकी भी बड़ी फजीलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक दो कतरों और दो निशानों से ज्यादा महबूब कोई चीज नहीं एक तो अल्लाह के खौफ से बहा हुआ आंसू आंसू का कतरा और दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह की रहा में बहाया गया और दो निशानों में से एक निशान तो वो है जो अल्लाह की राह में लगे और दूसरा निशान वो है जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज की हुई चीज़ों में से किसी फ़र्ज की अदायगी में लगे जैसे बाद लोगों के माथे पर निशान पड़ जाता है इबादत की वजह से बाद लोगों के टखनों के पास निशान पड़ जाता है पाँव पे नमाज के अंदर बैठने बिछा के बैठने की वजह से या इसी तरह अगर उस सफ़र में आपको कोई चोट लग गई है या कोई और निशान लग गया है तो ये अल्लाह के रास्ते में लगने वाला निशान है अल्लाह के रास्ते में लगने वाली कोई तकलीफ है तो ये भी अल्लाह ताला को बड़ी महबूब है फिर इसी तरह हज के लिए जो काफले निकलते हैं उनकी अपनी एक फजीलत है उमर बिन खत्ताब एक बार निकले आपने काफ़ला काफिला देखा पूछा ये काफिले वाले कौन है ये कहाँ जा रहे हैं उन लोगों ने कहा हम हज के लिए जा रहे हैं तो हज़रत उमर ने कहा कि हज के अलावा किसी और मकसद ने तो तुम लोगों को मुतहरक नहीं किया आपने तीन मरतबा ये बात पूछी उन्होंने कहा नहीं उमर उम्र बनखताब कहते हैं अगर ये काफले वाले जान लें कि वो अपनी सवारियां किस हस्ती के दर पे बिठा रहे हैं यानी कहाँ जा रहे हैं तो इनकी आंखें ठंडी हो जाए उस फजीलत को हासिल करने के बाद जो बख्शिश के बाद इनको मिलनी है अल्लाह के घर जाकर जो इनकी बख्शिश होनी है अगर इनको पता चल जाए वो नजर आ जाए तो इससे बढ़कर उनके लिए खुशी की कोई बात ना हो कसम है उस की जिसके हाथ में उम्र की जान है उठनी अपना तलबा नहीं उठाती और ना रखती है मगर अल्लाह उस पर सवार हाजी का एक दर्जा बुलंद कर देता है उसका एक गुनाह गिरा देता है उस सवारी के पांव उठाने या रखने की वजह से एक नेकी लिखी जाती है बैठा वो उठनी पर है और वो चल रही है गुनाह बैठने वाले को मिट रहे हैं दर्जे उसके बुलंद हो रहे हैं इसी तरह जो लोग जहाज पे जाते हैं तो जहाज उठता है कहाँ तक मीलों के तो, ऊपर जाता है और इसी तरह नीचे उतरता है और फिर गाड़ियों पे सवारी करते हैं और एक एक कदम वो उठ यानी कि चल रही होती है सारी चीजें और पैदल भी यानी मुमकिन ही नहीं कि हज में इंसान पैदल ना चले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको चलना ही पड़ता है फिर इसी तरह अगर कोई हज की नीयत से निकलता है और उसकी वफात हो जाती है तो उसके लिए क़यामत के दिन तक हज करने वाले का सवाब लिख दिया जाता है आपने फरमाया जो शख्स हज के इरादे से निकले और उसमें मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत के दिन तक हज करने वाले का सवाब लिख देता है और जो शख्स उम्रे के इरादे से निकले और उसे रास्ते में मौत आ जाए तो अल्लाह तेमत के दिन तक उम्रा करने वाले का सवाब लिख देता है यानी ऐसा ही है जैसे वो सारा वक्त उम्रे में और जो जिहाद के इरादे से निकले और रास्ते में मौत आ जाए तो क्या के दिन तलबिया पुकारते हुए उठेगा इबने अब्बास कहते हैं बुखारी की रिवायत है एक शख्स रसूल सराफा में ठहरा हुआ था वो अपनी सवारी से गिर गया तो सवारी ने उसको कुचल दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो और इसे दो कपड़ों में कफन दो ना तो इसे खुशबू लगाओ ना इसके सर को छुपाओ यकीनन अल्लाह इसको क़यामत के दिन इस हाल में उठाएगा कि ये लब्बैक पुकार रहा होगा इसी तरह हज ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से इंसान दोजख से निकाल लिया जाएगा यानी अगर उसके किसी और अमल की वजह से वह जहन्नम में जाता है तो ये हज की वजह से पहचाना जाएगा और जहन्नम से निकाल लिया जाएगा हज करने वाले के लिए जन्नत का वादा है रसूल सल्लम ने फरमाया पांच आमाल ऐसे हैं जो इनको ईमान के साथ बजा लाया जन्नत में दाखिल होगा जिसने पांच नमाजों की उनके वजू उनके रुकू और सुजूद और उनके औकात के साथ हिफाजत की रमज़ान के रोजे रखे और अगर ज्यादा राह की ताकत रखता हो तो बेतल्ला का हज किया और खुश दिली के साथ जकवात अदा की तो ये अमाल जन्नत में ले जाने वाले हैं हज जो है हज मबरूर सबसे खूबसूरत अमल है उम्मुल मोमिनी आयशा कहती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल क्या हम आपके साथ जिहाद को ना चलें तो आपने फरमाया तुम्हारा बेहतरीन और खूबसूरत जहाद हज हज मबरूर है।, है कि वसल्लम से ये सुनने के बाद अब मैं कभी हज तरक ना करूँगी मजीद में जिहाद के इतने फायदे और इतना सवाब और इतना अजर बयान किया गया है कि ज़ाहिर है कि खुवान भी जब कुरान पढ़ती हैं तो उनके दिल में एक पैदा होती है कि काश हम भी इसमें से कुछ कर सकते तो नबी अलैहि वसल्लम ने उसका पैरेलल बताया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इसको और हज मबरूर क्या होता है अब्दुल बर कहते हैं जिस हज में रियाकारी शोहरत, ना बेहूदगी हलाल कमाई से किया जाए वो हज मबरूर होता है यानी ऐसा हज कि जिसमें ना रियाकारी हो ना शोहरत की तलब हो ना हराम काम गुनाह के काम लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई चीज ना हो और हलाल कमाई से किया जाए एक और कौल यह है कि हज मबरूर से मुराद हज मकबूल है जिसकी निशानी यह है इंसान अपने रब की दोबारा नाफरमानी ना करे यानी हज से पहले जिन गुनाहों में पड़ा होता वापस आके उनके दोबारा ना करे और हकदार को उनके हकूक पहुंचाए अब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हज का शौक रखते हैं लेकिन वसाइल नहीं रखते या कोई माजूरी है मजबूरी है वो क्या करें कोई ले जाने वाला नहीं है इसे ख़वातीन होती हैं खासतौर पर उनके पास अपना ज़्यादा है महरम का नहीं है या उम्र इतनी हो गई है सेहत नहीं है या कोई भी बचा है तो कई और चीजें ऐसी हैं कि जिनका एहतमाम करना चाहिए फिर जिंदगी में उनमें से एक ये है कि अगर रमजान में उम्र कर लिया जाए तो ये नबी अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर है हज का फरीजा अदा नहीं होगा लेकिन अजर स्व होगा एक रिवायत है बहुत खूबसूरत अबू तलीक कहते हैं मेरी बीवी उम्मे तलीक मेरे पास आई कहने लगी अबू तलीक हज की तैयारी करो उनके पास एक ऊंट और एक ऊंटनी थी वो ऊंटनी पर हज करते और ऊंट को जिहाद के लिए इस्तेमाल करते थे उसने उनसे ऊंट का मुतालबा किया ताकि वो हज कर सके तो उन्होंने कहा तुम जानते नहीं कि मैंने इसे अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दिया है यानी फीस ला दे दी है मैंने उसने कहा हज भी अल्लाह की राह में आता है यानी बीवी ने कहा आप मुझे दे दें अल्लाह आप पे रहम करे उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दू कहने लगी अच्छा फिर तुम मुझे ऊँट नहीं दे दो खुद ऊँट पर हज कर लो उन्होंने कहा मैं तुझे खुद पर तरजीह नहीं दूंगा उसने कहा तो फिर कोई खर्च वगैरह ही दे दो कहने लगे मेरे पास इतना माल नहीं चियों तो जो मेरे और मेरे अहलो अहलवाल की जरूरत से जायद हो कि मैं तुम्हें दे दू उसने कहा अगर तुम मुझे दोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन अजर अता करेगा बेहतरीन बदला अता करेगा वो कहते हैं जब मैंने इसका भी इनकार कर दिया तो उसने कहा जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं तो आप उनको मेरा सलाम कहना और जो मैंने आपको कहा है आप उनको बता देना वो कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया आपको उसका सलाम पहुंचाया इन बीवी का और उम्मे तलीक की सारी बातें बता दी आपने फरमाया उम्मे तलीक सच्ची है अगर तू उसे ऊंट दे देता तो वो अल्लाह ही की राह में होता अगर ऊँढ़ी दे देता तो तुम दोनों अल्लाह की राह में होते अगर तुम उसे कोई खर्च देते तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदल अता करता यानी इवन इंसान अगर अपनी बीवी को या माँ अपने बेटे को या किसी बहन को या किसी का खर्च कम हो गया है उसको भी अगर इंसान इस मामले में सपोर्ट करता है तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका बेहतरीन बदल अता करे अल्लाह बेहतरीन बदल अता करता है यानी दुनिया में वो माल कम नहीं होता अल्लाह लौटा देता है और आखरत का अजय तो है ही मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो आपसे ये सवाल कर रही थी कि कौन सा अमल आपके साथ हज करने के बराबर है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने फरमाया रमजान में उमरा करना यानी आपने तो एक ही दफ़ा हज किया था तो फिर अब दोबारा तो मौका ऐसा आ नहीं सकता था उसके बाद हज के दो महीने के बाद आपकी वफात हो गई थी तो बहरहाल सहाबियात भी इतनी समझदार थी और इतनी अकल और राय रखती थी और अपने हक़ के लिए मुख्तलफ दलायल दे सकती थी लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन यह कि इंसान की अगर किसी नेक काम के लिए कोई ख्वाहिश है और दूसरा उसके लिए कुछ कर सकता है तो उसको कन्विंस करना चाहिए लोग अपने दुनियावी मतलब के लिए जैसे बच्चे आपके साथ ज़िद करके गाड़ी चाहिए फ़ोन चाहिए तो कैसे कैसे दलायल लाते हैं और आपको बहरहाल कन्विंस कर ही लेते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ साथ उनका साथ दें कुछ ना कुछ उन हिस्सा डालें आप तो इसी तरह इंसान को अपने दीनी हक के लिए भी बात करनी चाहिए ये नहीं कि अगर किसी ने एक दफा इनकार कर दिया तो चलो ठीक है हमारी किस्मत में ही नहीं, नहीं। अल्लाह ताला भी बंदे का शौक देखता है कि बंदा क्या चाहता है उसकी क्या हसकत है इसी तरह हाजी को कोई सामान देना या उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों की खबरगिरी करना जैद बन खालिद जोहनी कहते हैं

कुछ भी कमी नहीं होगी यानी हाजी का या रोजेदार का सवाब लेके मदद करने वाले को नहीं दिया जाएगा बल्कि अल्लाह ताला अपने पास से अदा करे इसी तरह जो लोग हज अदा नहीं कर सकते वो अगर वजू करके फर्ज नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलते हैं अच्छी तरह वज़ू करके तो आपने फरमाया जो अपने घर से वजू करके फर्ज नमाज के लिए निकले उसका सवाब एहराम बांधने वाले हाजी के सवाब की तरह है। और जो चाश्त की नमाज के लिए निकले और उसी की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करता तो उसका सवाब उमरा करने वाले के सवाब की तरह है। और एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में कोई लघु काम ना हो तो वो इिघिन में लिखा जाता है यानी बंदे का नाम वहां लिखा जाता है उस रजिस्टर में तो ये जो है ना कि हज के बराबर अजर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि सवाब मिलता है दूसरा ये कि जैसे हाजी को हर कदम पे सवाब मिलता है ऐसे ही नमाज के लिए जाने वाले को हर कदम पर सवाब मिलता है और इसी तरह जैसे हाजी जाता है और जब तक वापस नहीं आता हर वक्त सवाब की हालत में होता है क्योंकि अल्लाह के रास्ते में बस निकल गया सवाब शुरू हो गया अब जब तक वापस नहीं आता उसका सवाब लिखा चला जाता है तो ऐसे ही जो शख्स वजू करके घर से निकलता है मस्जिद जाता है और फिर वापस आता है तो उस वक्त तक वो सवाब की हालत में होता है इसी तरह नबी ने फरमाया सुबह के वक्त इसलिए मस्जिद की तरफ निकला कि भलाई सीखे या भलाई सिखाए तो उसके लिए पूरा हज अदा करने वाले की तरह अजर है इल्म हासिल करने के लिए निकलना सीखना या सिखाना तो ऐसे लोगों का रोज हज होता है फिर तो इसी तरह अगर आप नहीं निकलते घर पे हैं तो फजर की नमाज के बाद इशराक तक जिक्र करने से मुकम्मल हजर उमरे का सवाल मिलता है रसूल वसल्लम ने तीन बार फरमाया पूरा 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 हज अजर लेकिन ये याद रहे कि इन नेकियों को करने से हज का फरीजा साकित नहीं होता यानी ये उन लोगों के लिए एक दूसरी ऑप्शन है जो किसी मजबूरी की वजह से हज के लिए नहीं जा सकते लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका हज हो गया इन कामों से जैसे आता ना कि सूरत इखलास है एक तिहाई कुरान के बराबर तो इसका मतलब थोड़ी कि आपने एक तिहाई कुरान पढ़ लिया वो तो अपनी जगह रहेगा ही इसी तरह अगर बैतुल्ला में एक लाख नमाज़ों का सवाब है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने एक दफ़ा जोहर पढ़ ली तो लाख दिन आप नमाज ज़ोर नहीं पढ़े अदा हो गई ऐसा नहीं है तो बहरहाल खुलासा यही है कि अल्लाह सुबहान गुनाहों की बख्शिश अजर सवाब और अपना कुरबता करने के लिए बहुत से नेक काम हमें बताए हैं जिनमें से एक हज है हज के बहुत से दीनी और दुनियावी फ़वाद हैं जो साहिब इस्तात हो उसे रीजा हज जल्दी अदा करना चाहिए जिसके पास इस्तात ना हो वो खैर और नेकी के दूसरे मौाक़ को इस्तेमाल करे और जो हज का इरादा करे वो पूरे अखलास के साथ नेक नियती के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इस सफर को इख्तियार करे और उसके लिए इस दुआ को कसरत से मांगे अल्लाह मजल अमली कुल्लू कुल्ल हुन अल्लाह मजल अमली कुल्ल हुन वजह का खालिशन ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى